भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम तम नमामि शनैश्चरम। बोलिए नवग्रहों के सरताज भगवान श्री शनिदेव महाराज की। भक्तजनों, नवग्रहों के सरताज भगवान श्री शनि देव जी की वक्र दृष्टि की कथा आप सभी ने सुनी है, पढ़ी है। वेद पुराणों में इनकी कथाएं वर्णित हैं, परंतु आज मैं आपको भगवान शनि देव की साढ़े साती की वो पावन कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि क्या देव हूं, क्या धनुज, क्या मानव, क्या दानव और क्या स्वयं भगवान भी हूं। भगवान शनि देव की साढ़े साती से कोई नहीं बच पाता है। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। साढ़े साती से ना बच पाए, साढ़े साती से ना बच पाए, स्वयं शिव जी भगवान, स्वयं शिव जी भगवान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, एक दिवस भगवान शिव के कैलाश पर श्री शनि देव का आगमन हुआ। उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव के चरणों की वंदना की और उन्हीं के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो शनि देव ने कहा, प्रभु आप तो जानते हैं कि मेरी साढ़े साती हर राशि पर अपना फल दिखाती है, सो कल से मैं आपकी राशि पर आने वाला हूँ। बस यही बताने के लिए मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ था। सुनकर भोले शंकर आश्चर्यचकित रह गए और शनि देव से क्या पूछते हैं, आइए बताता हूं। मैं तो हूं भगवान है शनि, क्या मुझ पर भी आओगे, क्या अपनी साढ़े साती का फल मुझको दिखलाओगे। बोले शनि जी सुन लो भगवन, मैं तो सब पर आता हूँ, देव धनुज हो ऋषि मुनि हो सबको फल मैं दिखाता हूँ। साढ़े साती फल पाएगा, साढ़े साती फल पाएगा, चाहे स्वयं भगवान हो चाहे स्वयं भगवान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। इस पर भगवान शिव ने शनि देव से पूछा, हे शनि कल तुम कितनी देर के लिए मेरी राशि पर आओगे। इस पर शनि देव ने कहा, प्रभु मैं कम से कम साढ़े सात घड़ी और अधिक से अधिक साढ़े सात वर्षों तक हर राशि पर रहता हूँ, परंतु आप स्वयं भगवान हैं, सो मैं साढ़े सात घड़ी के लिए कल आप पर अवश्य आऊंगा। इतना कहकर श्री शनि देव अपने धाम को चले जाते हैं। भोलेनाथ उनके जाने के बाद सोचते हैं
कि कैसे शनि की साढ़े साती से बचा जाए, और सोचते सोचते उन्हें क्या उपाय सूझा, आइए सुनाता हूँ। कल शनि के आने से पहले मृत्यु लोक चला जाऊंगा, किसी उचित स्थान पे जाके मैं तो कहीं छुप जाऊंगा। शनि मुझे ना ही पाएंगे, मुझको ढूंढ न पाएंगे, साढ़े साती का फल मुझको कैसे वो दिखलाएंगे। इतना सोच के निश्चित हो गए, इतना सोच के निश्चित हो गए, स्वयं भोले भगवान, स्वयं भोले भगवान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। अगले दिवस शिवजी पृथ्वी लोक में आ गए भक्तों। नगर नगर, मंदिर मंदिर, खेत खलिहान, बाग बगीचे सब देख डाले, परंतु कोई उचित स्थान छिपने का ढूंढ नहीं पाए। घूमते घूमते वनों में आ गए भक्तों कि तभी उनके सन्मुख एक हाथी आ गया। अचानक उनके मन में विचार आ गया कि क्यों ना मैं आज सारा दिन हाथी बनकर रहता हूँ, इससे शनि मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे और ढूंढ भी नहीं पाएंगे। यह सोचकर भगवान शिव ने हाथी का स्वरूप धरा और हाथियों के झुंड में शामिल हो गए। सारा दिन निकल गया भक्तों, परंतु शनि देव नहीं आए। सांझ के समय भोलेनाथ अपने स्वरूप में आए और शनि देव के धाम पहुंचे। बोले शनि, देखा ना तुमने, आज तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए। भगवान की योनि को छोड़ा गज की योनि आए हो, यही तो साढ़े साथी मेरी प्रभु समझ ना पाए हो। शिव शंकर को सारी बात ही भक्त समझ में आई थी, जान गए ये दुनिया साढ़े साथी से बचने न पाई थी। शनि देव को दिए शंकर ने, शनि देव को दिए शंकर ने ढेरों फिर वरदान, ढेरों फिर वरदान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। तो देखा ना आपने भक्तों कि चाहे स्वयं भगवान भी क्यों ना हो, श्री शनि देव की साढ़े साती से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने ही तो उन्हें न्यायाधीश के पद पर बिठाया था, और श्री शनि देव कर्म फल दाता होने के कारण भक्तों को उनके जीवन में किए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। तो भक्तजनों, यदि आप भी शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनि देव के गुण गाते जाइए, और जीवन में सदा सदाचार अपनाते हुए अच्छे कर्म करते रहिए। बोलिए भगवान श्री शनि देव महाराज की। कर्म फलों के दाता शनि जी कर्मों का फल देते हैं, अच्छे कर्म जो करता उनके कष्टों को हर लेते हैं। लोहा तिल और तेल उड़द का हम तो भोग लगाएंगे, चरणों में हम झुक जाएंगे, चंदन तिलक लगाएंगे,
परम दयालु परम कृपालु, परम दयालु परम कृपालु, भक्तो शनि भगवान, भक्तो शनि भगवान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान।